नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं टेक्नोविला। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं लॉजिटेक के G302 गेमिंग माउस की। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है इस माउस का बॉक्स। फ्रंट की साइड हमें माउस की इमेज और कुछ इंटरेस्टिंग ब्रांडिंग देखने को मिलती है। साइड की तरफ हमें MRP डिटेल्स देखने को मिलती है। इस पर MRP 2395 लिखी है, बट ये हमें Amazon से 1490 का मिला है, जो कि काफ़ी अच्छी डील है। बैक साइड की बात करें तो बैक में माउस के फंक्शंस और फीचर्स के बारे में लिखा हुआ है। दोस्तों, अब हम जल्दी से अपने माउस को अनबॉक्स कर लेते हैं और देखते हैं इस बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। बॉक्स खोलते ही हमें इस पर अपना माउस देखने को मिलता है और कुछ पेपर वर्क देखने को मिलता है। माउस की बात करें तो माउस हाथ में पकड़ने में बहुत सॉलिड लगता है और इसका वेट मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छा है। माउस की वायरिंग क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और वायरिंग से रिलेटेड आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। दोस्तों, इस माउस में आपको बैकलाइट LED लाइट भी मिलती है, जो सिंगल कलर LED लाइट है, बट इसके लाइट प्रोजेक्शंस बहुत इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, इस माउस में आपको 6 प्रोग्रामेबल बटन्स देखने को मिलते हैं, जिन्हें आप अपने हिसाब से प्रोग्राम कर सकते हैं। इसके लिए आपको लॉजिटेक का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, इस माउस में आपको DPI बटन भी मिलता है, जिससे आप अपने DPI को बदल सकते हैं। इसमें आपको 4 DPI सेटिंग देखने को मिलती है, जिससे आप 240 DPI से 4000 DPI तक जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस माउस के क्लिक्स की बात करें तो इस माउस के क्लिक्स काफ़ी स्मूथ है और लॉजिटेक कहता है ये माउस 20 मिलियन क्लिक तक चलेगा। अगर मैं इस माउस के फॉर्म फैक्टर की बात करूं तो इस माउस को यूज़ करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इस माउस का डिज़ाइन बहुत अच्छा है और अगर आप रेगुलर गेमर हैं तो भी आपको ये माउस बहुत पसंद आएगा। दोस्तों, ये था इस माउस का रिव्यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thanks for watching. Keep supporting. Make him spicy, Papa.